हेलो। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैटरैक्ट के बारे में, एक्चुअल में क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है और कौन कौन से कॉजेस हैं जिनकी वजह से कैटरैक्ट हो सकता है, या फिर उसकी वजह से कौन कौन से सिम्टम्स देखने को मिलते हैं एंड क्या ट्रीटमेंट है उसका, ये हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन। अ कंडीशन इन विच द लेंस ऑफ द आई बिकम क्लाउडी। ओके, सबसे पहले देखते हैं कैटरैक्ट में होता क्या है। ये आई के अंदर क्रिस्टलाइन लेंस होता है, उसका एक डिजीज है। कैटरैक्ट कंडीशन में जो ट्रांसपेरेंस क्रिस्टलाइन लेंस होता है वो वाइट और क्लाउडी हो जाता है, या फिर कह सकते हैं कि लेंस की जो ट्रांसपेरेंसी है वो लॉस हो जाती है, जिसकी वजह से लेंस के अंदर से लाइट क्रॉस नहीं कर पाती है, या फिर लाइट क्रॉस करने में ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, जिसकी वजह से विज़न में प्रॉब्लम होती है, या फिर कम्प्लीटली विज़न लॉस हो जाता है। ओके, कैटरैक्ट की कंडीशन में ब्लाइंडनेस भी कॉज हो सकती है, मतलब कैटरैक्ट ब्लाइंडनेस को भी कॉज करता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स। कितने टाइप्स के होते हैं कैटरैक्ट? सबसे पहले कॉन्जेनाइटल कैटरैक्ट एंड देन एक्वायर्ड कैटरैक्ट। एक्वायर्ड के अंदर सेनाइल कैटरैक्ट आते हैं, ट्रॉमेटिक कैटरैक्ट, देन सेकेंडरी कैटरैक्ट, मेटाबॉलिक कैटरैक्ट, टॉक्सिक कैटरैक्ट, ये सारे एक्वायर्ड के अंदर आते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कॉन्जेनाइटल कैटरैक्ट क्या होता है। कॉन्जेनाइटल कैटरैक्ट क्या होता है? ऐसा कैटरैक्ट जो बर्थ के टाइम से ही प्रेजेंट होता है, बाय बर्थ ही प्रेजेंट होता है। इसमें क्या होता है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर कोई यूटेरस में कोई इन्फेक्शन हो गया है, या फिर मालफॉर्मेशन हो गया है, या फिर कोई जेनेटिक प्रॉब्लम की वजह से ये कैटरैक्ट कॉज हो सकता है। नेक्स्ट आपका आता है एक्वायर्ड कैटरैक्ट। एक्वायर्ड कैटरैक्ट में ये होता है कि ये बाय बर्थ नहीं होता है, बाद में अगर किसी कॉज की वजह से हो रहा है तो उसको एक्वायर्ड कैटरैक्ट कहते हैं, जैसे कि सेनाइल कैटरैक्ट। सेनाइल कैटरैक्ट में इसको हम एज रिलेटेड कैटरैक्ट भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, आफ्टर 65 ईयर के बाद जो कैटरैक्ट के केसेस हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं, क्योंकि 65 ईयर के बाद जो लेंस होता है उसमें ओपेसिटी आने लगती है, उसकी जो ट्रांसपेरेंसी है वो लॉस होने लगती है, जिसकी वजह से सेनाइल कैटरैक्ट कॉज होता है। नेक्स्ट आपका ट्रॉमेटिक कैटरैक्ट। इसमें क्या किसी ट्रॉमा या फिर इंजरी के कारण अगर कैटरैक्ट हो रहा है, मतलब आई में कोई इंजरी हो गई है या फिर कोई ट्रॉमा हो गया है, उसकी वजह से अगर कैटरैक्ट हो रहा है तो उसको ट्रॉमेटिक कैटरैक्ट बोलेंगे। नेक्स्ट आपका सेकेंडरी कैटरैक्ट। सेकेंडरी कैटरैक्ट में क्या होता है कि आपको ऑलरेडी कोई आई डिजीज़ है, अगर उसकी वजह से कैटरैक्ट कॉज हो रहा है तो उसको सेकेंडरी कैटरैक्ट बोलेंगे। नेक्स्ट आपका आता है मेटाबॉलिक कैटरैक्ट। मेटाबॉलिक कैटरैक्ट में क्या होता है, अगर बॉडी में के अंदर कोई इंडोक्राइन प्रॉब्लम है, अगर कोई नॉन हार्मोनल इम्बैलेंस है, या फिर बायोकेमिकल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से कैटरैक्ट कॉज हो रहा है तो उसे मेटाबॉलिक कैटरैक्ट बोलेंगे। नेक्स्ट आपका आता है टॉक्सिक कैटरैक्ट। टॉक्सिक कैटरैक्ट क्या होता है, इसमें जैसे लाइक हम बहुत सारे ड्रग्स यूज़ करते हैं, अगर उन ड्रग्स की टॉक्सिसिटी हो जाती है उसकी वजह से कैटरैक्ट डेवलप होता है तो उसे टॉक्सिक कैटरैक्ट बोलते हैं। ड्रग्स लाइक जैसे थायराइड हो गए, डायुरेटिक्स हो गए, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, ट्रैंकुलाइजर, अगर इन ड्रग्स की टॉक्सिसिटी हो जाती है तो इसकी वजह से टॉक्सिक कैटरैक्ट कॉज हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आपके आते हैं कॉजेस। देखते हैं ऐसे कौन कौन से कॉजेस हैं जो कैटरैक्ट को डेवलप करते हैं। सो फर्स्ट वन इज द एज। एज जैसे कि हमने पहले देखा, आफ्टर 65 ईयर जो है कैटरैक्ट के केसेस इंक्रीज हो जाते हैं, बिकॉज ऑफ उसमें लेंस में ओपेसिटी आने लगती हैं, जो उनकी ट्रांसपेरेंसी है वो लॉस होने लगती है। नेक्स्ट आपका आता है हेरिडिटरी। हेरिडिटरी इसमें क्या होता है, अगर कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी की वजह से अगर कैटरैक्ट मतलब हो सकता है। ओके, नेक्स्ट आपका आता है लॉन्ग टाइम हीट एक्सपोजर। अगर बहुत ही लंबे टाइम तक आप हीट एक्सपोजर के कॉन्टैक्ट में हैं, या फिर अल्ट्रावायलेट रेज के, तो उसकी वजह से भी कैटरैक्ट कॉज हो सकता है। मेडिकेशन जैसे हमने पहले देखा, डायुरेटिक्स हो गए, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, ट्रैंकुलाइजर, इनकी टॉक्सिसिटी अगर हो जाती है तो उसकी वजह से भी कैटरैक्ट हो सकता है, या फिर अदर कोई आई डिजीज है उनकी वजह से भी कैटरैक्ट कॉज हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिम्टम्स की। सिम्टम्स में सबसे पहले क्या है, ब्लरी विज़न। आपको ब्लरी विज़न दिखेगा, मतलब सब ब्लर दिखेगा, एंड लॉस ऑफ विज़न, या फिर कम्प्लीटली विज़न लॉस हो जाएगा। नेक्स्ट आपका पुअर विज़न एट नाइट। नाइट में आपको कम दिखाई देगा। एंड नेक्स्ट डिक्रीज कलर परसेप्शन। कलर परसेप्शन करने में आपको डिफ़िकल्टी होगी। फोटोफोबिया लाइट में आपको डिफ़िकल्टी होगी, या फिर इचिंग होगी। नेक्स्ट आपका लाइट स्कैटिंग एंड ब्लर्ड इमेजेस दिखाई देंगे आपको। ओके,
नेक्स्ट हम बात करते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट की। ऐसे कौन कौन से टेस्ट हैं जो कैटरेक्ट की कंडीशन में करवाए जाते हैं? तो फर्स्ट वाले से सबसे पहले हम करेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, नेक्स्ट ऑप्थैल्मोस्कोपी करेंगे, उसके बाद स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन। स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन में हम क्या करते हैं कि आइज़ के जो फ्रंट साइड्स हैं उनके स्ट्रक्चर को विजुलाइज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट लेंस और रेटिना का पेन लाइट एग्जामिनेशन किया जाता है एंड देन रेटिनोस्कोपी करते हैं इसमें। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की। कैटरेक्ट की कंडीशन में कौन कौन से ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाएंगे? तो कैटरेक्ट की कंडीशन में कोई भी फार्माकोलॉजिकल मतलब ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता है, क्योंकि कैटरेक्ट को मेडिसिन के थ्रू क्योर नहीं किया जा सकता, इसलिए हम इसमें सर्जरी परफॉर्म करते हैं। तो फर्स्ट सर्जरी है एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट इरेक्शन। एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट इरेक्शन में क्या करते हैं, इसमें हम सिर्फ कैटरेक्ट को ही रिमूव करते हैं, बाकी जो कैप्सूल होता है उसको रिमूव नहीं करते, उसको सपोर्ट के लिए छोड़ देते हैं, बाकी इसमें हम सिर्फ कैटरेक्ट ही रिमूव करते हैं। एंड जो इंट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट इरेक्शन है, इसमें हम पूरे लेंस को ही रिमूव कर देते हैं, इंक्लूडिंग द कैप्सूल दैट सराउंडिंग इट। ओके, नेक्स्ट है आपका सर्जरी फैमो को इमल्सिफिकेशन। फैमो को इमल्सिफिकेशन में क्या करते हैं, इसमें उसको इमल्सीफाई किया जाता है, मतलब लिक्विफाई किया जाता है। लिक्विफाई करने के बाद आई में एक स्मॉल इंसीजन दिया जाता है, उसके बाद लेंस को एस्पिरेट कर लेते हैं एंड देन एक न्यू इंट्राओकुलर लेंस इम्प्लांट किया जाता है। ओके, थैंक यू।